नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक। मैं हूं सबा काजी और आज की खास रेसिपी जो बनाने जा रही हूं वो है न्यूट्रेला चॉकलेट एंड वॉलनट कुकीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 बोल ऑफ घी। इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर, रेगुलर शुगर, इसे बस हमने अच्छे से पाउडर फॉर्म में किया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी क्रीमी हो जाएगी, इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। अगर आप चाहें आप मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम कुछ देर तक विस्क करेंगे। इस मिक्सचर को बहुत ध्यान से आप मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्स फॉर्म ना हो। फिलहाल हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसे भी अच्छी तरीके से विस्क करेंगे। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंग्रेडिएंट नेक्स्ट ऐड होने जा रहा है जो है प्री कुक्ड न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स। और फिलहाल इस बोल में एक इंटरेस्टिंग सी ट्विस्ट एंड टर्न होने वाली है। इस रेसिपी में एक इंटरेस्टिंग सा मिक्स दे रहे हैं हम इस रेसिपी को, इसे हेल्दी कुकीज़ बना रहे हैं। फिलहाल हम न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे वॉलनट्स और साथ ही साथ मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो इसमें मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर रही हूँ एंड अ बिट ऑफ सॉल्ट। हमारा मिक्सचर भी तैयार है एंड इट्स लुकिंग परफेक्ट। तो चलिए इसे बेक करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा बटर, बटर ऑन बटर पेपर। ये ग्रीस हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा मैदा बस यू ही स्प्रिंकल करेंगे एंड नाउ गो इन द कुकीज। कुकीज़ का बैटर हमने अच्छे से प्लेस कर दिया है, चलिए इसे बेक करते हैं। अवन को मैंने पहले प्री हीट कर दिया था पर इसे हम 15 मिनट्स के लिए एट 190 डिग्रीज बेक करेंगे। तो हमारी न्यूट्रेला चॉकलेट एंड वॉलनट कुकीज़ हो गई है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में, क्योंकि किसने सोचा था कि हम कुकीज़ बना लेंगे सोया के साथ। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बनी। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।